फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि दांतों के ट्रीटमेंट के लिए मुझे कुछ चीज़ें दी हैं डॉक्टर ने, कुछ जेल है और ये थ्रेड है, लाइक ये सुपर फ्लॉस है, ये ओरल बी के हैं, ये दिए हैं और ये जो है ये ऐसे ब्रशेस से बने हुए हैं, एक जो गम की सफाई के लिए है। एक्चुअली ये दांतों, दोनों दांतों के दरमियान में जो स्पेस होती है और गम में, उसकी सफाई के लिए ये ब्रशेस हैं। तो इनके बारे में मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी उस वीडियो में बताती पहले वाली तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो इसके बारे में बना के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद इससे आप में से किसी की हेल्प हो जाए। क्योंकि कुछ 2-3 वीक से मेरे दांतों से ना ब्लड आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और जब आपके मुंह में इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे तो आपके दांतों का इशू होता है, मसूड़ों का इशू होता है, तो आपके खाने पीने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और इसके अलावा ऐसा भी होता है कि आपके मुँह में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो वो बैड ब्रेथ जो है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए जो है वो टाइमली अपने दांतों का जो है वो ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अगर घर में कुछ ऐसे कुछ लोग टोटके वगैरह भी यूज़ करते हैं, अगर उससे हील हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो करवाएं, और हर 6 मंथ्स के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद आपको अपने दांतों की क्लिनिक ज़रूर करवानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही हूँ कि मुझे जो डॉक्टर ने दिया है, मेरे दांत बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई इशू नहीं था, किसी किस्म का उसमें कोई सुराख नहीं है, जिसे पंजाबी में कहते हैं कोई खोड़ वगैरह होती है वो बिल्कुल भी नहीं है, दाढ़ का कोई इशू नहीं है। मेरा जो मसला है वो गम्स का है, मेरी गम में थोड़ी स्वेलिंग हो रही है और इन्फेक्शन है, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके लिए उन्होंने ये जेल दिया है, ये है जी पेरियोएड और इंटेंसिव केयर है के लिए है ये का ये जेल है, ओरल बी के, ये जी सुपर फ्लॉस हैं, ये थ्रेड हैं, लाइक ये दांतों के क्लीनिंग के लिए जैसे हम कुछ लोग होते हैं ना, वो थ्रेड यूज़ करते हैं, और ये जो है ये है ये जेल लगाकर दांतों के जो दरमियान की स्पेस है, मसूड़ों के दांतों के दो दांतों के दरमियान में जो स्पेस होती है ना, उसके अंदर इसको थ्रेड से सफाई करनी है, ये जेल उस पर लगाकर। तो आप चाहे इस थ्रेड से कर लें या फिर इनके लिए ये छोटे छोटे उन्होंने ब्रशेस बनाए हैं, तो ये मुझे उन्होंने साथ दिए हैं कि आप चाहे तो ये यूज़ करें। एक दफ़ा उन्होंने मुझे यूज़ करके दिखाए हैं, यहाँ पे उन्होंने जेल डाला और उस पर ये ऐसे जेल लगाकर और इसको दोनों दांतों के दरमियान में जो गैप होता है उसमें इसको इस जेल लगाया, इसकी मदद से उसके अंदर इसको ऐड किया, और ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म हो सके, क्योंकि ब्रश 2 टाइम्स बेशक कम कर लें लेकिन वो मसूड़ों के दरमियान की सफाई जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता। तो उसके लिए ये ब्रशेस जो हैं ये बनाए गए हैं, क्योंकि वो मुझे बता रही थी कि ये न्यू अभी कुछ अर्सा पहले ही ये जो है ये नए जो ब्रशेज ये इक्विपमेंट और ये सारा ट्रीटमेंट जो है ये आया है। तो आप ये करके देखें, विद इन मंथ इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जो गम्स का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये वैसे भी शॉप्स वगैरह पे अवेलेबल हैं या नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये भी आपको देखकर आपको इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी चेक करके, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ क्योंकि मुझे ये डेंटिस्ट ने दिए हैं, अपने क्लिनिक से दिए हैं ये सब चीज़ें, इसलिए मुझे शॉप्स के बारे में तो नहीं पता वहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अवेलेबल होंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वो अल्लाह की बहुत ही बड़ी नेमत है। दांत अगर सही सलामत ना हो तो अब खाने पीने का भी कोई मज़ा नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनसे आप महरूम हो जाते हैं खाने से, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइम से पहले ही जो है ना दांत उनके निकल जाते हैं, तो उसके लिए कि ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़े तो आप ज़रूर अपने दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थ्रेड जो है ये ओरल बी का है, और ये जो ब्रशेस हैं इनके ऊपर जो लिखा हुआ है वो एंटरप्रॉक्स लिखा हुआ है, लेकिन इंटरप्रॉक्स लिखा हुआ है, और इसके ऊपर इधर ये जो है ना कोई वैसे कोई नहीं है लोगो वगैरह किसी कंपनी का।
तो ये मैं आपके साथ छोटी सी वीडियो थी मेरी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और आप लोग दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी मेरी, तो मेरी ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा ज़रूर जो है वो पहुंचा होगा। और टूथपेस्ट जो है वो मैं यूज़ करती हूँ सैमसोडन, और उसमें ये भी यही है कि सुबह ज़रूर ब्रश करें और रात को सोने से पहले, सुबह से भी ज़्यादा ज़रूरी है रात को सोने से पहले ब्रश करना, तो वो आप हेल्दी जो है वो आपके माउथ के लिए, आपके दांतों के लिए ये रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोई डेंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं क्योंकि बहुत सारी मैंने ना ये दांतों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी हैं, और वो कुछ थोड़ी सी जो हैं वो मैंने फेस भी की हैं, और जब से मैंने अपने माउथ का क्लीनिंग स्टार्ट करवाई है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह का होता। ये काफ़ी अर्से बाद मुझे हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप में से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।